ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म सुपर 30 आजकल सुर्खियों में है। ऋतिक लगभग 2 साल बाद पर्दे पर नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही वे सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि बहन सुनैना ने परिवार वालों को लेकर कई खुलासे किए हैं, लेकिन इस पर हम बात नहीं करने वाले। हम सिर्फ बात करेंगे सुपर 30 की। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है रोजधन ऐप ने, जिससे आप घर बैठे बड़ी आसानी से पैसा कमा सकते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि वीडियो को पूरा देखने पर आप नॉलेज के साथ साथ कम से कम 50 रुपए तो तुरंत कमा लेंगे। बिहार के मैथमेटिशियन आनंद कुमार के जीवन पर आधारित फिल्म सुपर 30 में उनके जीवन संघर्षों और सफलता की कहानी को एक्टर ऋतिक रोशन बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये फिल्म 12 जुलाई को रिलीज होने वाली है। सुपर 30 फिल्म का ट्रेलर पहले ही लॉन्च हो चुका है, जिसमें ऋतिक रोशन आनंद कुमार के दमदार किरदार में दिखाई दे रहे हैं। फैंस को भी ये ट्रेलर बड़ा पसंद आया है और सभी को उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले साल 2009 में पूर्व जापानी ब्यूटी क्वीन और अभिनेत्री नोरिका फुजीवारा ने भी सुपर 30 इंस्टीट्यूट पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। इसी वर्ष डिस्कवरी चैनल पर भी आनंद कुमार के सुपर 30 का सफल संचालन एवं नेतृत्व पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे इन्हीं आनंद कुमार के संघर्ष की कहानी, और इसके साथ साथ आपको उन तथ्यों से भी रूबरू करवाएंगे जो आनंद कुमार को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। लेकिन निर्णय आपको लेना है, आप किसके साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। भारत के गरीब तबके के लोगों के लिए शिक्षित होना आज भी अभिशाप बना हुआ है, क्योंकि भारत में शिक्षा व्यापार बन चुका है। स्कूल, इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर वाले बस अपनी जेबें भरने में लगे हैं। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा का असली अस्तित्व कायम रखा है। आज हम एक ऐसे ही शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया। हम बात कर रहे हैं सुपर 30 नाम का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने वाले आनंद कुमार की, जो न सिर्फ गरीब तबके के बच्चों को निशुल्क भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT के एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं, बल्कि उनको सफल भी बनाते हैं। 2003 से 2017 तक सुपर 30 के 450 स्टूडेंट्स में से 391 स्टूडेंट्स ने IIT का एंट्रेंस पास किया। 2018 की बात हम बाद में करेंगे। आनंद कुमार का जन्म 1 जनवरी 1973 को बिहार के पटना में हुआ। उनके पिता भारत के डाक विभाग में एक क्लर्क थे, जो बेटे को प्राइवेट स्कूली शिक्षा नहीं दे सकते थे, जिसके चलते आनंद को एक हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने उस समय के दौरान गणित में अपनी गहरी रुचि विकसित की। उन्होंने ग्रेजुएशन के दौरान नंबर थ्योरी पर कुछ नोट्स बनाए, जिसे मैथमेटिकल स्पेक्ट्रम और द मैथमेटिकल गैजेट में प्रकाशित किया गया। इसी बीच उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश भी प्राप्त किया, लेकिन अपने वित्तीय संकट और 1994 में पिता की मृत्यु के कारण और पैसों की तंगी के चलते इसमें शामिल नहीं हो सके। जब 1993 में आनंद को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से एडमिशन के लिए लेटर आया, उसे 6 लाख रुपए की तत्काल जरूरत थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के स्थानीय संपादक ने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से बात की और कहा कि बिहार का होनहार लड़का है, बहुत नाम करेगा, इसकी आप मदद कीजिए। लालू ने कहा, आप कह रहे हैं तो जरूर मदद करूंगा, उसे मेरे पास भेज दीजिए। उन्होंने आनंद को कहा, जाओ लालू जी से मिल लो। तो वो मिलने गए तो उसे शिक्षा मंत्री के पास भेज दिया गया। शिक्षा मंत्री ने अपने PA से 5,000 रुपये देने के लिए कहा। है ना हमारे देश की स्थिति हास्यास्पद। गरीबी इतनी थी कि घर चलाने के लिए माँ ने घर में ही पापड़ बनाने शुरू कर दिए। आनंद दिन में पढ़ाई करते और शाम को पापड़ बेचते और रात में बच्चों को पढ़ाते। ये पापड़ बेचने वाली फोटो अभी हाल ही में आपने फिल्म प्रमोशन के दौरान देखी होगी, जिसमें ऋतिक रोशन पापड़ बेचते हुए नजर आ रहे हैं। इसी आर्थिक दबाव को कम करने के लिए 1992 में आनंद ने 500 रुपये महीना के किराए पर एक कमरा लिया और 2 बच्चों को मैथ्स की ट्यूशन देनी शुरू कर दी और ट्यूशन सेंटर का नाम रखा रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आनंद की मेहनत का नतीजा ये था कि महज 1 साल में ये आंकड़ा 2 बच्चों से 36 बच्चों तक और 3 साल में 500 बच्चों तक पहुंच गया। साल बीतते चले गए, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा, पैसे भी आने लगे, आर्थिक तंगी दूर होने लगी। लेकिन साल 2000 की शुरुआत में एक वाकया घटा। आनंद कुमार के पास एक लड़का पहुंचा जो IIT की कोचिंग लेना चाहता था। बच्चा पढ़ने में तेज था लेकिन पैसों से कमजोर, इसी वजह से उसके पास फीस लायक पैसे नहीं थे। इस वाकये ने आनंद कुमार को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने निश्चय किया कि यहाँ से यानी कि रामानुजन से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा वो गरीब होनहार बच्चों को पढ़ाने में खर्च करेंगे।
और यहीं से उनके दिमाग में आइडिया आया सुपर 30 शुरू करने का, जिसकी शुरुआत 2002 में हुई। आपको थोड़ा सुपर 30 के बारे में बता दें। सुपर 30 में कुल 30 बच्चों का सिलेक्शन होता है। यह संस्थान IIT एंट्रेंस की तैयारी करवाता है। इस संस्थान में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों विषय पढ़ाए जाते हैं। 2002 से हर साल मई महीने में रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में एक परीक्षा का आयोजन होता है, जिसमें केवल गरीब पिछड़े वर्ग के सैकड़ों बच्चे हिस्सा लेते हैं, और इन्हीं बच्चों में से सबसे बेहतर 30 बच्चों को सुपर 30 प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में इन 30 बच्चों को IIT एंट्रेंस की पढ़ाई और स्टडी मटेरियल के साथ अस्थायी आवास भी दिया जाता है। आनंद कुमार की माँ जयंती देवी इन बच्चों के लिए खाना पकाती है और आनंद के भाई प्रणव कुमार मैनेजमेंट का काम देखते हैं। सुपर 30 का खर्च रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से होने वाली कमाई द्वारा उठाया जाता है। 2003 से 2017 तक सुपर 30 के 450 स्टूडेंट में 391 स्टूडेंट्स ने IIT का एंट्रेंस पास किया। 2008 से 2010 यानी लगातार 3 साल तो पूरे के पूरे 30 बच्चों ने IIT JEE क्लियर कर दिया। साल के हिसाब से बात करें तो 2011 में 24, 2012 में 27, 2013 में 28, 2014 में 27, 2015 में 25, 2016 में 28 और 2017 में फिर 30 और 2018 में 26 बच्चों ने IIT JEE क्लियर किया। यानी 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार उनके द्वारा प्रशिक्षित 480 में से 422 छात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए चयनित हो चुके हैं। आपको बता दें कि 2018 की बात हम अंत में दोबारा करेंगे। ये सब आनंद कुमार की मेहनत और बच्चों की लगन का नतीजा था कि सुपर 30 की ख्याति भारत के साथ साथ पूरे विश्व में फैल गई। मार्च 2009 में डिस्कवरी चैनल ने सुपर 30 पर एक कार्यक्रम दिखाया। इसी साल अमेरिकी समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स ने आधे पन्ने पर उनके बारे में लेख लिखा। अभिनेत्री व पूर्व मिस जापान नोरिका फुजीवारा पटना आई तथा उन्होंने आनंद कुमार के कार्यों पर एक लघु फिल्म भी बनाई। उन्हें BBC के कार्यक्रमों में स्थान मिला। उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, कई IIT, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, टोक्यो विश्वविद्यालय तथा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भाषण दिया। उनके आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के काम के कारण लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज हुआ। टाइम पत्रिका ने सुपर 30 को बेस्ड ऑफ एशिया 2010 की सूची में भी स्थान दिया। इन्हें 2010 में इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंसेज द्वारा S. रामानुजन पुरस्कार भी दिया गया। सुपर 30 को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के विशेष सिपहसालार राशिद हुसैन ने देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कहा। न्यूज़वीक पत्रिका ने आनंद कुमार के कार्यों का संज्ञान लेते हुए उनके संस्थान को 4 सर्वाधिक अभिनव संस्थान में स्थान दिया। उन्हें नवंबर 2010 में बिहार सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार मिला। उन्हें जर्मनी के सैक्सोनी प्रांत के शिक्षा विभाग द्वारा सम्मानित किया गया। आनंद कुमार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार भी प्रदान किया गया। बाप रे बाप, इतना सम्मान! अब तो आप सुपर 30 के महत्व और लोकप्रियता को समझ ही गए होंगे। यही कारण है कि ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवी सुपर 30 चर्चा का विषय बनी हुई है और हम आशा करते हैं कि फिल्म आप सभी को बहुत पसंद आएगी। आनंद का संघर्ष एक बेहद ही साधारण आदमी का असाधारण संघर्ष है। आनंद कुमार के साथ विवाद भी हमेशा चले हैं, लेकिन इन विवादों के बावजूद कम से कम हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। क्योंकि अगर इन्होंने इतने सारे छात्र तो छोड़िए, अगर इन्होंने एक गरीब बच्चे को भी फ्री में पढ़ाया है तो वो महान है। ये उन सबसे महान है जो शिक्षा के नाम पर मोटी मोटी फीस लेकर अपनी जेबें भरने में लगे हैं। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके सामने सिक्के के दूसरे पहलू को भी रखें, वरना आप हम पर पक्षपात का इल्जाम लगा दोगे। लेकिन डिसाइड आपको करना है आप किसके साथ हैं, और इस बारे में हमें कॉमेंट करके जरूर अपनी राय बताइएगा। अगर विवादों की बात करें, आनंद कुमार पर बहुत से आरोप लग रहे हैं, जिसमें से अपने कोचिंग पार्टनर को धोखा देने का आरोप सबसे अहम है। सुपर 30 के दावों पर कई सवालिया निशान लग चुके हैं। ये निशाना साधने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सुपर 30 का हिस्सा रह चुके हैं। जैसा कि हम बता रहे थे कि 2018 में सिलेक्ट हुए बच्चों पर हम बाद में बात करेंगे, तो उस बात पर से सस्पेंस हटाते हैं। 10 जून 2018 को जब IIT प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया तो खुद आनंद कुमार ने बताया कि उनके सुपर 30 में से 26 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन उनके नाम आनंद ने नहीं बताए। जबकि पहले के सालों में वो हमेशा नाम और रोल नंबर जरूर बताते थे। इसके बाद उनके खिलाफ आर्टिकल और न्यूज छपने लगे। कोर्ट में PIL भी दाखिल की गई और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार से 2002 से अब तक IIT में पास हुए छात्रों की सूची मांगी।
याचिकाकर्ताओं के वकील अमित गोयल ने कहा कि आनंद कुमार रिजल्ट के बाद सभी को सफल घोषित कर देते हैं। विभिन्न माध्यमों में इसका दुष्प्रचार होने के कारण बच्चे और अभिभावक भ्रमित हो जाते हैं। IIT की कट ऑफ तब 126 थी, लेकिन जब दो दिन बाद IIT ने कट ऑफ घटाकर 90 कर दी, लेकिन तब से 36 नंबर कम होने के बावजूद सुपर 30 के सफल छात्रों की संख्या एक भी नहीं बढ़ी और 26 की 26 रही, लेकिन इस पर भी उन्होंने चुप्पी साधी रखी। अब बात करते हैं आनंद कुमार के कोचिंग पार्टनर अभ्यानंद की, जो बिहार के पूर्व DGP रह चुके हैं। सुपर 30 के शुरुआत के वक्त उन्होंने आनंद को खूब सहयोग दिया और सुपर 30 में फिजिक्स की पढ़ाई का काम अपने कंधों पर लिया। इन्होंने सुपर 30 का दूसरे कोचिंग संस्थानों के गुंडों से बचाव भी किया, जिनका बिजनेस आनंद कुमार के कारण बैठ गया था। फिर इन दोनों के बीच दरार क्यों पड़ी? अभ्यानंद बताते हैं कि मैंने सुपर 30 के लिए 2002 से 2008 तक काम किया था और फिर अलग हो गया। इसका एक कारण तो ये था कि पारदर्शिता कम होती गई और दूसरी वजह थी कि मुझे बहुत वक्त भी नहीं मिलता था। 2007 के बाद मुझे लगा कि रामानुजन और सुपर 30 में घालमेल बढ़ गया है, क्योंकि दोनों को एक ही जगह शिफ्ट कर दिया गया। मुझे दुख बस इस बात का है कि सुपर 30 एक बिग आइडिया था जिसे निजी संपत्ति बना दिया गया। 2008 में एक फंक्शन के दौरान रिलायंस द्वारा 5 लाख का चेक दिया गया, जिसे मैंने लेने से मना कर दिया, लेकिन आनंद ने ले लिया। तो मैंने उनसे पूछा कि जब रामानुजन से पैसा आ ही रहा है तो पैसे क्यों लिए? इसके बाद उन्होंने सुपर 30 छोड़ दिया और अलग हो गए। आपको बता दें कि आनंद कुमार की डिग्री और रिसर्च पर भी विवाद कायम है। एक पत्रकार ने उनके रिसर्च के दावों पर सवाल उठाए जो मैथमेटिकल स्पेक्ट्रम और मैथमेटिकल गैजेट में प्रकाशित किए गए थे। पत्रकार ने बताया कि 30 जनवरी 2018 में एक राकेश नाम के शख्स ने स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बात की है और उन्होंने ऐसी किसी भी रिसर्च के आनंद कुमार के नाम से छपे होने से इनकार किया है, जो आनंद कुमार पब्लिसिटी में सबको बताते हैं। आनंद कुमार के एक और साथी विद्यानंद ने भी यह दावा किया है कि 2017 के जो बच्चे IIT के लिए सिलेक्ट हुए थे, उनमें से 4 बच्चे 2018 के सेलिब्रेशन में क्या कर रहे हैं। इसके अलावा विद्यानंद दावा करते हैं कि अरबाज आलम, जो कि एक अंडे बेचने वाले का बच्चा था, जब वो सेलेक्ट होकर सुपर 30 में पढ़ने के लिए आया तो उसे कहा गया कि आप अभी पढ़ने में कमजोर हो, इसलिए रामानुजन जहां फीस लगती है वहां तैयारी करो, उसके बाद दोबारा सुपर 30 में सिलेक्शन हो जाएगा तो फीस वापस कर दी जाएगी। एक अंडे बेचने वाले के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रामानुजन की फीस का खर्चा उठा सके, इसलिए अरबाज ने 6 महीने घर पर कठिन परिश्रम कर पढ़ाई की और इतनी मेहनत की कि उसका IIT में सिलेक्शन हो गया, जिसके बाद आनंद कुमार उनके घर गए और उसे लेकर आए। आसपास के लोगों ने बताया कि सिलेक्शन के बाद उसे सुपर 30 का पोस्टर बॉय बना दिया गया। तो दोस्तों, ये थी सुपर 30 के आनंद कुमार की कहानी। इन सब आरोप के बाद भी हमारी नजर में आनंद कुमार की महानता कम नहीं होती, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आपको रोजदन ऐप के बारे में कुछ बताते हैं। यह बहुत ही इंफॉर्मेटिव ऐप है जहां आपको नौकरी, खेल, लाइफस्टाइल, हेल्थ, मनोरंजन जैसे विषयों पर ढेर सारे आर्टिकल और वीडियो मिलेंगे। इससे आप जानकारी के साथ साथ पैसा भी बड़े ही आसानी से कमा सकते हैं। इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक इसे 5 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड करके ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद अपने पेटीएम नंबर से लॉगिन करें। लॉगिन करते ही आपको 25 रुपए बोनस के तौर पर तुरंत मिल जाएंगे। फिर हमारा इन्विटेशन कोड जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसे डालने से 25 रुपए आपको और मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये ऐप कम से कम रोजाना एक बार जरूर खोलनी है, क्योंकि डेली चेक इन के यहाँ आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। और ये जरूरी है, अपने रेफरल कोड को व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर भेजकर आप अपने दोस्तों को भी यहाँ इनवाइट कर और तेजी से पैसे कमा सकते हैं। जितना ज्यादा इनवाइट उतना ज्यादा पैसा। हर रेफरल का आपको 6 रुपए मिलेगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे, अगली वीडियो उसी पर आएगी। जय हिंद।